मक्खन या चिकनी है तो बहुत खाते हो बाजारों ले आके। जाहिर बात है कि बच्चे मजबूर कर देने लेना पड़ता है, लेकिन पीनट बटर बना के देखो इतना जानदार इतना टेस्टफुल है कि तेरी सोच होएगी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जो है खूबसूरत और बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यकीन करो कि बच्चे एक बार खान तो बाद दोबारा भी यदि ही डिमांड करेंगे। बाजार का जो है ना कचरा मचरा माजरा दे नेड़े नहीं जानगे बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक प्याली मूंगफली दी है जो ये सी ना भुनी हुई लेंदी है, कच्ची नहीं है। कच्ची होए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और छिलका भी यदा ऑलरेडी रिमूव किया होया, मतलब है बाजारों से लेंदी होए। तो एक चम्मच ये चीनी दी जाएगी और एक चम्मच ये देसी घी होता जाएगा। अगर देसी घी तेरे को नहीं है तो उसी कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। या पीनट ऑयल जो है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे को लास्ट टाइम देसी घी मौजूद है, मैं सोचे देसी घी ऐड कराँगी। नाल ना रहना, बहुत ज़बरदस्त बहुत जानदार चीज़ बनेगी। तेरे को जो है ना बाजार दियाँ महंगी महंगा पीनट बटर ले आन तो तेरी जान छुट जाएगी। और सब तो वड्डी गल है कि सेहत वास्ते भी फायदेमंद होएगा, बच्चों को कोई टेंशन नहीं होएगी ये नाल। सब तो पहले इसी ना फ्राई पैन के ऐड करके ना हल्का जहा इन ड्राई रोस्ट करेंगे। ऑलरेडी भुनी हुई है लेकिन फिर भी हल्का हल्का ना नमी होंगी है ये, जैसा कि अमूमन मौसम यह जहा है। तो इस वास्ते हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि बिल्कुल ना सही खुश्क हो जाए। और सब तो अहम चीज़ है कि अगर जो उस टाइम तुम मूंगफली खरीदन जाओ तो यह देख लेना, खा के चेक कर लेना कि ये ना बासीपन की स्मेल ना फील होए। मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि मैं एक दफ़ा लेना अखरोट मंगवाए और वह अच्छी खासी जी ना स्मेल है बासीपन की। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ तुम लैन दे फिर जाया जाती है दोबारा, वो थोड़े काम की नहीं रह जाती। और ये तो कोई व्यवहार हो दुकानदार चेंज कर देगा, वरना अगले एक्सैप्ट ही नहीं करते कि भाई साढ़े को चीज़ गई हुई है। तो इस वास्ते मूंगफली अगर खरीदनी है तो ये स्मेल जी ना बहुत जल्दी आ जाती है बासीपन की। तो एक दो दाने चेक करके, ये नहीं कि मुट्ठी भर के खा लो, एक दो दाने चेक करके तो फिर ही खरीदनी है। अगर लगे हल्का जहा भी डाउट है तो फिर तुम कच्ची ले आके खुद रोस्ट कर लवो, जी है ना फ्राई की हुई बाजारों नहीं लैके आओ। लो फ्लेम से असी ना 2 तो 3 मिनट इनू अगला ना ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि यदा ना नमी टोटली खत्म हो जाए। तुम चाहो तो जरा ना यदा ढकना बंद करके भी कर सकते हो, लेकिन ओपन रख के करना ज़रा ज़्यादा फायदेमंद होंगे कि ढकने के उपर जो पसीना आ जाता है वो नाल दोबारा थोड़े ना गिले होने का जो खतरा होंगे कि फिर ना गिला हो जाए। यह हम यदि ना बुनाई बहुत सोहनी हो गई, देखिए कलर हल्का हल्का यदा ना गोल्डन होना शुरू हो गया। बस इस स्टेज से असं फ्लेम बंद कर देंगे और यदा ना हल्का जहा ठंडा होने का वेट करा। यह हम ड्राई रोस्ट होने तो बाद सारी मूंगफली बहुत अच्छे तरीके दे नाल ठंडी हो गई। तो इनू असी मिक्सी के जार ऐड करा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इनू पहले पाउडर बनावेंगे उस तो बाद ये जरा घी ऐड करा। और अगर तुम चाहो तो शहद ऐड कर सकते हो, मेरे को इस टाइम शहद मौजूद नहीं सी, मैं इस वास्ते चीनी ऐड कर रही हूँ। और गुड़ भी ऐड किया जा सकता है लेकिन गुड़ में पहले मेल्ट करके ऐड करना पड़ेगा, डायरैक्टली नहीं असं ऐड कर सकते। होना यदा पाउडर बन गया, देखिए ना खूबसूरत जरा पाउडर बन गया। हम इस स्टेज पर अच्छे से देसी घी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर ये ना हो तो जो मैं ऑलरेडी दसिया है कि जोड़ा ना ये ऑयल वगैरह कुकिंग ऑयल या कुछ भी ऐड कर सकते हो। देखिए अच्छा खासा पेस्ट का बनना शुरू हो गया। तो मशीन में हीटअप नहीं होने देना, हल्का हल्का जो ना रोक रोक के मशीन चलानी है। तो यह देखिए हल्के हल्के बिल्कुल दाने रह गए हैं, बाकी सारा पेस्ट बन गया। जैसा ही पूरा पेस्ट यदा बन जाएगा और मूंगफली का अपना ऑयल जो ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर असं इन जो डिश आउट कर लवेंगे। बिल्कुल ईजी तरीका और बहुत जो है ना आसान, मतलब है कि सस्ता भी जेब के हिसाब न भी, इस कदर महंगा नहीं है जिस कदर बाजार है। और बच्चों की सेहत तो बद के तो कुछ भी नहीं है ना साढ़े वास्ते। लो जी महंगा तरीन पीनट बटर जबरदस्त रेडी हो गया। देखिए चकनाई की काफ़ी हद तक उपर आ गई है, हूँ असं इन डिश आउट करा। और देखते हैं अगर साढ़े को ब्रैड इस टाइम मौजूद हो तो तुम बकायदा जरा लगा के दिखाने। इतनी जबरदस्त चीज़ है, इतना टेस्टफुल है कि जब कोई तारी सोच होएगी, बाजार आया ना कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। इनू असी खूबसूरत जै जार दे विच ऐड करके रखांगे और फ्रिज रखने की खास जरूरत नहीं है। अगर रख लो तो ठीक है, ना रखो तो कोई मसला नहीं। हफ्ता 10 दिन तेनों कोई टेंशन नहीं क्योंकि ये कुछ गिलापन नहीं है। तो इस वास्ते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वैसे भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि मूंगफली है वो जो है स्मेल होंगे कि बासी पाना वो आना शुरू हो जाए, चांस तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है। ये तुम लियाओ हफ्ते 10 दिन वास्ते बनाओ और अगर फ्रिज रख लो तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो। देखो कितना खूबसूरत है और बिल्कुल क्रीमी शक्ल च है बाजार है ना, बहुत ज़्यादा जानदार टेस्ट है।
लो जी फ्रिज के बिचों जोड़ा है ब्रैड मिल गई तो बकायदा सैंडविच बनाते हैं, बना के इंजॉय करते हैं और नाल नाल तुहानू दिखाते हैं। और अपना मेरा शहजादा इस टाइम सुता हुआ है पर ना बकायदा जोड़ा कमेंट करता ऐसा जानदार अंदाज दे नाल कि कम अज़ कम रूह खुश हो जाती एक दफ़ा। बहुत ही टेस्टफुल बहुत ही खूबसूरत बने है ते ए मेरी रेसिपी दी फाइनल लुक है। अगर तुहानू अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर लाजमी करना। बाकी मेरी तरफों तुहाडे सब वास्ते दुआवां, हमेशा हंसते बसते रहो, आबाद रहो। अस्सलामु अलैकुम।